गर्मियों का सीज़न आ गया है तो इस सीज़न में हमें मच्छर और मक्खियां कहर मचाते हुए ही दिखाई देगी। कई बार तो मच्छरों के काटने से हमारे घर के बच्चे और बुजुर्गों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है, उन्हें बुखार हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, वो सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर है। आज मैं आपको घर के किचन में रखी हुई कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपके घर में ना तो मक्खियां आएंगी ना ही मच्छर आएंगे। तो इसके लिए जो सबसे पहले हमें चीज़ लेनी है, तेज़पत्ता, जिससे हम घर में बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, पुलाव, बिरयानी, इन सब में हम तेज़ पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। वही तेज़ पत्ता आप ले लीजिए और कुछ इस तरीके के जो ख़राब तेज़ पत्ते होते हैं उसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो देखिए, मैंने काफ़ी मात्रा में तेज़ पत्ते का इस्तेमाल कर लिया है और इस तेज़ पत्ते की मदद से हमारे घर में मक्खियां ही नहीं आएंगी, मच्छर, कॉकरोच वगैरह, इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा भी मिलेगा। और साथ में आपको लेना है कपूर। अगर आपके पास बड़ी कपूर है तो वो भी ले सकते हैं, अगर आपके पास छोटी कपूर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कपूर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस वीडियो में। अब हमें जो ये कपूर की आपको छोटी छोटी टिकियां दिखाई दे रही है, इनको एक अलग बर्तन में डाल लीजिए। जैसे कि मैंने डिस्पोजल कप लिया है, उसके अंदर लगभग 5 से 6 कपूर की टुकड़ियां मैं डाल लेता हूं और उनको कुछ इस तरीके से अच्छे से कूट लेता हूं। उनका एकदम बिल्कुल बारीक बुरादा मैं बना लेता हूं। आप चाहें तो आप हाथ की मदद से भी इसको अच्छे से कूट सकते हैं, क्योंकि कपूर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो इसलिए वह आसानी से मिक्स हो जाता है, कूट जाता है, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े हमने कपूर के कर लिए हैं। अब एक दूसरी कटोरी हमने ले ली है और उसमें हमने डाल लिया है तेल सरसों का। आप चाहें तो नीम का तेल भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। मेरे पास था नहीं इसलिए मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास नीम का तेल है तो आप नीम का तेल ले लीजिए। अब इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद दोस्तों, आप कोई भी ख़राब बर्तन जिसका आप घर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते वो ले लीजिए। आप चाहे तो मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं, लेकिन यह चीज़ दोस्तों आपके गर्मियों में रोज़ रोज़ काम आने वाली है, तो इसके लिए आप एक अलग से ही फिक्स बर्तन तैयार कर लीजिए और उसमें आप ये जो तेज़पत्ता है वो डाल लीजिए। आप छोटे छोटे टुकड़े करके भी तेज़पत्ते के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, छोटे छोटे पत्ते भी डाल सकते हैं, अगर आप बड़े पत्ते रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। अब जो हमने मिश्रण तैयार किया था, यानी कपूर और तेल जो हमने मिक्स किया था, वो इसके अंदर हम अब ऐड कर देंगे। आप सारा का सारा भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हमें डालने के बाद माचिस की मदद से आपको इस पर लगा देनी है तीली। माचिस की तीली आप इस पर लगा दीजिए। अगर आपकी माचिस की तीली से यह जो आग है वो नहीं पकड़ रहा है तो आपको क्या करना है कि एक दो पत्ते अलग से उठा लीजिए। जैसे इस थाली के अंदर अगर आपको ढेर सारे पत्ते दिख रहे हैं, उनमें से कोई भी पत्ता आप ले लीजिए और इसको अलग अलग करके सब जगह पे रख दीजिए, ताकि हमारी जो तेज़ पत्ते हैं वो थोड़ा अच्छे से आग पकड़ जाएं। और फिर दोस्तों आप उस आग को बुझा दीजिए, लेकिन उससे पहले आप इसको थोड़ी देर जलने दीजिए, ताकि इसकी आग अच्छे से सभी पत्तों पे लग जाए और इसका जो धुआं बनेगा दोस्तों वो आप कोई भी बंद कमरे में रख दीजिए या फिर घर के सारे गेट कर बंद करके आप उसको एक जगह पे रख दीजिए। आप फिर कुछ इस तरीके से आपको जैसे लगे कि हमारे पत्ते कम बचे हैं और धुआं कम हो रहा है तो आप उसमें कुछ और तेज़ पत्ते भी ऐड कर सकते हैं, ताकि धुआं है वो थोड़ा लंबे समय तक चलता रहे और आपके घर से मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, छिपकलियाँ, आपके दोस्तों घर में कोई भी दिखाई नहीं देगा, सब छू मंतर हो जाएंगे। बहुत ही आसान और सरल तरीका है, इसे आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं, वो भी किचन में रखी हुई कुछ चीज़ों से। तो मैंने काफ़ी इसमें ढेर सारे तेज़ पत्ते डाल दिए हैं। अब मैं क्या काम करता हूँ कि इसको थोड़ा बुझाने की कोशिश करता हूँ, इसको बुझा लेता हूँ, ताकि इसका जो धुआं है वो हमारे जो घर में मच्छर, मक्खियाँ, कॉकरोच होते हैं उनसे हमें छुटकारा दिलाएं। तो आग काफ़ी मात्रा में कम हो गई है। अब मैं 1 से 2 तेज़ पत्तों का इस्तेमाल और करता हूँ, ताकि जो हमारी है आग एकदम बिल्कुल बंद हो जाए और जो हमारे को जो धुआं चाहिए उस धुएं से दोस्तों इसका ऐसा प्रिकॉशन बन के तैयार होगा कि हमारे इस धुएं से
हम आपके घर में जितने भी मच्छर है मक्खी है वो आपको दिखाई नहीं देंगे। बहुत ही यूज़फुल टिप्स है दोस्तों। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें, और आप हमारी यह वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। मैं चलता हूँ, मुझे दीजिए अलविदा, बाय, टेक केयर।